हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन एंड आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मुंबई स्टाइल वड़ा पाव चटनी। ये चटनी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वड़ा पाव के साथ ही खानी है, आप इडली के साथ भी खा सकते हो या फिर ऐसा कोई भी स्नैक्स जिसके साथ ड्राई आपको चटनी की ज़रूरत लगे तो आप उसके साथ ये खा सकते हो, क्योंकि ये तीखी होती है और नमक डालने के वजह से ये बहुत टेस्टी भी लगती है। तो उसके लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो आपको मैं बता देती हूँ। तो हमने ली है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चटनी का बेस रहता है वो उसका कलर रेड कलर का, एंड वो उस मिर्चियों से आती है। तो मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया है, यूजुअली आप या तो तीखे से बनाओ या तो फिर कश्मीरी से बनाओ, बट मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर अराउंड 15 से 20 ये लाल सूखी मिर्ची ले ली है। तो कश्मीरी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है एंड रेड चिली जो सूखी वाली रहती है ये हमने 5 से 6 ले ली है, तो टोटल मिला के 15 से 20। साथ ही में मैंने ये लहसुन की गांठ ले ली है बड़ी, एक बड़ा लहसुन या फिर अराउंड 20 से 25 कलियां लहसुन की इस तरह से ले ली है, एंड ये ड्राई है अच्छा खासा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप सोच रहे होगे कि इसने लहसुन तो ले लिया है लेकिन लहसुन साफ नहीं किया है। तो अगर आपने कभी वड़ा पाव खाया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ लहसुन की कलियाँ भी निकल जाती है, अक्खी अक्खी या फिर उसके छिलके भी आ जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट आपका बिगाड़ता नहीं है, वो टेस्ट आपका एनहेंस करता है। इसलिए हम इसके छिलकों के साथ इसे सेकने वाले हैं। फिर ये हमारा सूखा खोपरा है इस तरीके से आता है, इसको मैंने कीस लिया है या आधा वाटी थी तो मुझे 6 टेबलस्पून जितना खोपरा चाहिए था। फिर ये शेंगदाना है तो मैंने इसको 2 टेबलस्पून ले लिया है। अभी हमें इसे सब कुछ एक एक करके या तो फिर एक साथ, बट आप जानते हो कि कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो जल्दी रोस्ट हो जाती, कोई चीज़ ऐसी होती है वो टाइम लेती है, तो सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है एंड किसी किसी चीज़ में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो टाइम ज़्यादा लेता है। इसलिए आप रिलैक्स होके अच्छे से एक एक आइटम्स कुछ कुछ मिनट बूझ के उसे निकाल लो एंड फिर उसको ठंडा करके हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद हमें इसमें कश्मीरी चिली पाउडर डालना है ताकि हमारे कलर और एकदम ब्राइट हो जाए और अच्छा दिखे, एंड साथ में नमक डालना है आपके टेस्ट के अनुसार। ठीक है, तो मैं एक एक आइटम रोस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं ये लाल मिर्चियाँ डाल देती हूँ, दोनों लाल मिर्चियाँ, एंड साथ ही साथ हम लहसुन भी डाल देंगे ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। बस थोड़ा सा इसे सेक लेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तब ये देखो कितनी नरम नरम है, अच्छे से हमको इसे रोस्ट करना है। इसे तोड़ लेती हूँ 2 भागों में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इसकी खुशबू आ रही है, रोस्ट हो रहा है और मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं ऐड किया है। इसका रीज़न ये है कि इनमें खुद में ऑयल होता है, जैसे कि लहसुन के पखली में ऑयल होता है, देन कोकोनट में ऑयल होता है, शेंगदाना में ऑयल होता है, फिर अगर हम एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस जैसे ही हमें इस मिर्चियों की महक आने लग जाएगी, जैसे लगेगा ठसका आ रहा है, बस हमें बंद कर देना है और ये जैसे जैसे ठंडा होगा कड़क हो जाएगा। तो मैं निकाल लेती हूँ इसको, मैंने निकाल लिया। अब इसी में मैं ये नारियल डाल दूँगी, इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें ज़्यादा, नहीं तो फिर जो हमारी चटनी है उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और इसे कंटिन्यूसली चलाना है, बस इसका भी रॉ स्मेल निकल जाए उतने देर तक हमें इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं ये स्लाइट इसका कलर थोड़ा सा ये हुआ, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसकी कच्ची जो खुशबू महक है वो निकल जाए। तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। हमको इसको सबको अच्छे से ठंडा करना है और फिर ही पीसना है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा कुरकुरा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये देखिए मिर्ची अच्छे से
लहसुन भी हमारा अच्छे से हो गया है और ये भी ड्राई अच्छे से हो गया। अब हम मूंगफली सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ऑयल रिलीज हो गया है, शाइन हो रहा है और ये अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और ठंडा होने फैन के नीचे रख देंगे। तो मेरा ठंडा हो गया है, स्लाइट वार्म है बट मैं इसे पीस लूंगी एक मिक्सचर जार में डाल के। ध्यान रहे कि हमें इसे एक साथ नहीं पीसना है, पल्स में पीसना है, थोड़ा पीस कर बंद करना है, थोड़ा पीस के बंद करना है। एंड आपका जो मिक्सचर जार है वो सूखा होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हमें पीसना है, बस इस तरह से बंद करते हुए। देखिए इस तरह से हमें पीसते रहना है पल्स पल्स में। इस स्टेज पे हम नमक और कश्मीरी चिली पाउडर डाल देंगे इसमें। आप पीसने के बाद आपका नमक टेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट हमारी चटनी बनकर रेडी है। इसे निकाल लेंगे हम। आप देख सकते हैं हमारी चटनी बनकर रेडी है। तो आपको हमारी ये फटाफट झटपट घर पर वड़ा पाव के लिए सूखी चटनी बनाकर कैसे लगी हमें कमेंट में बताइएगा एंड आप भी बनाइएगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।